ये साल था 1999 जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से अपना पहला चुनाव लड़ा। बेल्लारी जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन वहां पर मैदान में उनके खिलाफ उतरी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने चंद दिनों में ऐसी कन्नड़ भाषा सीखी कि मंच से उन्होंने धारा प्रवाह कन्नड़ में भाषण दिए और विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने विदेशी बहू वर्सेस बेटी का सवाल उठाते हुए कर्नाटक की जनता से, बेल्लारी की जनता से वोट मांगे। अटल जी भी सुषमा स्वराज के इस हुनर को देखकर उनके प्रशंसक हो गए। हालांकि सुषमा स्वराज 56,000 वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन उनका ये वाक्य लोगों को याद रहा कि बेशक चुनाव हारा लेकिन संघर्ष मेरे नाम रहा।